अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये जुद्दोजहद को जारी रखना पड़ेगा। ये सिर्फ एक दिन दो दिन की जुद्दोजहद नहीं, अब तो लोगों की जानें भी चली गई हैं और जो बच्चे मारे गए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये गलत हो रहा है। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अगर नरेंद्र मोदी की सरकार सही फैसला ले लेती है तो बहुत अच्छा। आप सिर्फ वजीर आजम इतना कर दीजिए कि रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो आपने लफ्ज लिखा, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए, लफ्ज रिलीजन को निकाल दीजिए। किसी भी मुल्क की माइनॉरिटी लीजिए आप, मैं मानता हूं पाकिस्तान में जुल्म होता है, मगर पाकिस्तान से मुझे क्या करना है, अफगानिस्तान से मुझे क्या करना है, बांग्लादेश से हमको क्या करना है। यकीनन जुल्म होता है म्यांमार में, जुल्म होता है श्रीलंका में, जुल्म होता है साउथ एशिया में, हर जगह पर आप लीजिए, मगर मजहब के नाम पर कानून बनाना ये गलत है। और फिर ये 2030 दिसंबर 2014 की तारीख क्या है, ये एनपीआर क्या है, ये लोग एनपीआर के बारे में बोलते नहीं, नहीं, जो कोई भी भारत का शहरी है बशमूल मुसलमान, उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरा सवाल यह है कि तुम कौन होते डिसाइड करने वाले कि मैं शहरी हूं या नहीं हूं, तुम फैसला तुम करने वाले हो, तुम्हारा ऑफिसर करने वाला है। मेरे भाई ये काला कानून है, ये एनपीआर गलत है, एनआरसी गलत है। हिंदुस्तान के वजीर आजम जानते हैं कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बर्बादी के दहाने पर आ चुकी है, जीडीपी 4% से कम हो चुका है, जीएसटी कलेक्शन गिर रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आजादी के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे इख्तदार में, हर एतबार से मुल्क में परेशानी है, गरीबों को खाने को खाना नहीं है, नौकरियां जा रही हैं, सब परेशान है, मगर वजीर आजम जो दिल्ली के सल्तनत के बादशाह हैं, तो बादशाह ने फैसला किया कि नौकरी की बात नहीं होगी, बैंक के डूबने की बात नहीं होगी, जीएसटी की बात नहीं होगी, लोगों के पास पैसा निकालने है उसकी बात नहीं होगी, बात होगी मजहब की। और जब बात मजहब की करते हैं तो लड़ाई इसलिए होती है कि देश को बचाना है। यकीनन मैं मुसलमान हूं, मुझे फख्र है इस बात का, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये मुझे इजाजत देता है कि अपने आप को मुसलमान और दीन पर रखूं। और अगर कोई कहेगा कि मैं कोई दीन को मानता भी नहीं हूं, तो मैं उससे कहूंगा कि मैं आपकी इज्जत करता हूं। अगर कोई कहेगा कि मैं हिंदू हूं, मैं कहूंगा बिल्कुल रहो आप, आपको हिंदुस्तान का आईन मजहब पर चलने की इजाजत देता है, मगर ये कौन सा कानून कि आप मुझे दूर कर रहे हैं, मुझे दूर कर रहे हैं, हमको दूर कर रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस लड़ाई को जारी रखना है, इसको जमहूरी तरीके से जुद्दोजहद को जारी रखना है, तशद्दुद नहीं करना है। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं और तुमको अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं, मैं अगर इस लड़ाई में अगर मैं भी मर जाता हूं, अगर कोई जालिम मुझको गोली भी मारता है, तो तुमको अल्लाह का वास्ता, तुम तशद्दुद नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी जिंदगी उस वक्त तक है जब तक मेरा रब चाहेगा। और सुनो, जो मेरे दुश्मन है, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा करोगे अगर तुम मुझे शहीद कर उत्पादोगे। मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी शहादत मिले, कोई डर नहीं है, मगर ये लोगों की साजिश है। क्यों कह रहा हूं, लोग कह रहे हैं, अरे बोलेंगे, अरे ये जज्बात पिला रहा है, नहीं,
हकीकत बयान कर रहा हूं। ऐसे लोग बहुत से हैं और अभी आज तक के टीवी प्रोग्राम में एक बाबा बैठे थे जो सारी दुनिया से कहते हैं नाक से सांस लेके पेट को हिला के मुंह से सांस ले, जो टूथपेस्ट बेचने का कारोबार भी करते हैं, जो जींस बनाने का ख्वाब देख रहे थे मगर जींस नहीं बनी। वो बाबा ने कहा, बाबा ने कहा कि ओएसी एक सर फिरा है, आपको गलत फहमी है बाबा। हमारे बुजुर्ग पांडुरंगा रेड्डी भी सर फिरे हैं। ये सब लोग जो डाइस पे बैठे हैं पूरे सर फिरे हैं। सर फिरे इसलिए है बाबा, इससे मोहब्बत है। और बाबा ने कहा कि कोई ओएसी को पत्थर नहीं मारता जब वो बात बोलता है, तो बाबा की दिल की ख्वाहिश उनकी जबान पर आ ही गई। बाबा पत्थर मारो, बाबा मारो, बाबा पत्थर। मैं मजाक से नहीं कर रहा हूं, मैं बिल्कुल से मारो बाबा पत्थर, क्योंकि जब पत्थर पड़ेगा तो मुझे भी तो मालूम होगा ना कि ताइफ के सफर में मेरे आका को क्या क्या तकलीफ उठानी पड़ी। मारो पत्थर बाबा, मारो पत्थर बाबा, क्योंकि मैं जिसकी गुलामी का गुलाम होने का दावा पेश करता हूं, मुझे भी तो पत्थर खाना पड़ेगा ना बाबा। मारो पत्थर बाबा, बाबा अगर तुम्हारे लोग मुझे गोली मारेंगे तो मारो बाबा मारो, क्योंकि करबला के मैदान में मेरे आका के नवासे ने अपनी गर्दन कटाई थी, तो ओएसी कौन सा कुत्ता है। तैयार हो बाबा मारो, मगर मैं तुमसे अपील कर रहा हूं, अगर इस राह में मुझे कुछ हो भी जाता है, किसी को कुछ होता है, तो तुमको अल्लाह का वास्ता, सबर का दामन नहीं छोड़ना, किसी के भी ऊपर आंच आने नहीं देना। ये अजम, ये हौसला, ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट तुम्हारा होगा इसके लिए, इस किताब के लिए, इस आइन के लिए, तो याद रखो हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, इंशाअल्लाह होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि आप इस जुद्दोजहद में हमारा साथ देंगे, खाली जबान से बोल रहे या दिल से बोल रहे? जब दिल से बोल रहे तो तशद्दुद नहीं होना मेरे भाई, कोई वायलेंस नहीं होना। आप अगर कोई तशद्दुद करता भी है तो बोलना तू गोडसे की औलाद, गोडसे कुत्ता, शैतान की औलाद, और हम संविधान आईन के मानने वाले, हम अमन को कदामन नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। होता लोग बोलेंगे अरे असदुद्दीन ओवैसी क्या बात कर रहा है, क्या हम चूड़ियां पहन ले? नहीं मेरे भाई, उससे को जब्त करना और हालात का तकाजा यह है कि जालिम की साजिश में उसको नाकाम करना, यही हमारी हिम्मत होगी, यही हमारा फैसला होगा। तो हमारा साथ देना मेरे भाई, आप तमाम के साथ की जरूरत है, हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपका साथ होगा, मुत्तहिद रहिए, ये शिया सुन्नी के झगड़ों को खत्म करो, ये मसलक के इख्तलाफात को खामोश करो, और हिंदुस्तान और भारत को बचाने की कोशिश करना है। और आपसे फिर से अपील कर रहा हूं कि पुरमन तरीके से आराम से अपने अपने घर को रवाना होइए,